नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme P2 Pro vs Infinix GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो P2 Pro में 6.35 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो P2 Pro में 2.91 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो P2 Pro में 180 ग्राम्स जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि P2 Pro से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो P2 Pro में OLED कर्व डिस्प्ले जबकि GT20 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो P2 Pro में 6.7 इंचेस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन P2 Pro में 1080x2412px FHD+ और GT20 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो P2 Pro में 90.89% जबकि GT20 Pro 5G में 88.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो P2 Pro में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो P2 Pro में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो P2 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो P2 Pro में Adreno 710 जबकि GT20 Pro 5G में Mali G610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो P2 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो P2 Pro में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि GT20 Pro 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी P2 Pro में 5200 mAh जबकि GT20 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो P2 Pro में 2 कलर्स जबकि GT20 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो P2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस
12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT20 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo S19 5G है, तीसरा Honor 200 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।